हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आजकल की गृहणियों में बहुत ज़्यादा यही देखने में आ रहा है कि हमारे गोडों में दर्द रहता है बहुत ज़्यादा थकावट रहती है सर में दर्द रहता है और चक्कर आते रहते हैं दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है तो ऐसे ही मैसेज मुझे रूपाली जी का आया था कि मैं भी आपकी तरह वीडियो बनाना चाहती हूँ लेकिन काम बहुत ज़्यादा हो जाता है मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ एक्टिव नहीं रह पाती हूँ माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहता है देखिए रूपाली जी हम कभी भी काम से नहीं थकते हैं हम थकते हैं इधर उधर की बातों से जिसे हम सोच सोच कर अपना पूरा दिन खराब कर लेते हैं लेकिन हमें इससे बाहर निकलना है क्योंकि ये चिंता इंसान को बहुत कमज़ोर बना देती है और हमारा दूसरा कारण हो सकता है हमारे शरीर में आयरन और कैल्शियम की कमी जिसकी वजह से हमें सर में दर्द रहता है घोड़ों में दर्द रहता है तो मैं ऐसी ही रेमेडी आप सबके लिए ले लेके आई हूँ क्या पता वो आपके लिए थोड़ी बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है तो हमें यहाँ पे लेने हैं थोड़े से तिल जो कि हमारी कोशिकाओं को मजबूत कर बनाता है और दूसरा होता है मखाने हमें यहाँ पर एक कटोरी मखाने लेने हैं जो कि कैल्शियम से भरपूर होते हैं और तीसरा हमें लेने हैं यहाँ पर बादाम ये हमारी याददाश्त को मज़बूत बनाते हैं और चौथा हमें लेना है यहाँ पर थोड़ी सी सौफ़ इन चारों को हमें अच्छी तरह से भून लेना है ज़्यादा नहीं भूनना है सिर्फ हमें इनकी थोड़ी सी नमी को ही निकालना है ताकि ये एक पाउडर फॉर्म में आ जाए तो हमने यहाँ पर इनको भून लिया है हम इन्हें अलग अलग भी भून सकते हैं और एक साथ भी भून सकते हैं क्योंकि कुछ चीज़ें हमारी जल्दी भून जाती हैं और कुछ चीज़ों को भूनने में थोड़ा टाइम लगता है तो हल्का सा ही हमें इनको भूनना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये भून के हो गए हैं हमारे तैयार अब मैं इसको जार में डाल दूँगी और जार में डालने के बाद हम इसको पीस लेंगे ये पाउडर फॉर्म में बनके तैयार हो गया है हमें अपने घर में बच्चों को बड़ों को और खुद भी हमें लेना है डेली ही हमें एक गिलास दूध के साथ एक चम्मच लेनी है इस बात को आपको याद रखना है कभी भूलना नहीं है और जब भी ये खत्म हो जाए आपको दोबारा बना लेना है ही सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी आप इसमें अखरोट भी मिला सकते हैं शाम के बज गए थे चार ओर में जैसे ही बाहर गई मैंने देखा बहुत ही धूप निकली हुई है और मेरा ख़राब आते दिमाग चलने लगा चलो कुछ करते हैं तो मैंने फटाफट से कपड़े निकाले और सारे पर्दे उतारने शुरू कर दिए कि चलो मैंने धो देती हूँ वैसे भी अब त्योहार आने वाले हैं सारे लगातार त्यौहार आएंगे तो मैंने फटाफट से अपने सारे पर्दे उतार लिए हैं मैं इसी तरह से अपने सारे पर्दे धोती हूँ आप भी इसी तरह से धोएंगे तो आपका एक भी छल्ला नहीं निकलेगा वैसे तो पर्दे हमें हाथ से धोने चाहिए लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है तो हम मशीन का कर यूज़ करते हैं तो मशीन के अंदर सारे छल्ले निकल जाते हैं अक्सर पर मैं इसी तरह से धोती हूँ उनको टाइट बांध देती हूँ रस्सी से तो एक भी छल्ला नहीं निकलता है आप भी इस तरह से ट्राई कर सकते हैं और दूसरी तरफ मैंने निकाली है अपनी सारी दालें क्योंकि जैसा ये मौसम चल रहा है इस मौसम में सारी दालों में कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं तो मैं क्या करती हूँ सारी दालों में थोड़ा सा सरसों का तेल लगा कर एक घंटे के लिए धूप में रख देती हूँ तो ये सूख जाती हैं और इसके बाद हम डब्बों में भर देंगे तो हमारी दालें बिल्कुल सेफ़ रहेंगी और इसके अंदर एक भी कीड़ा नहीं लगेगा तो मैं इसी तरह से अपनी दालें सुखाती हूँ तो आपको मैं दिखाती हूँ कितनी तेज़ धूप हुई थी और मैंने सारी दालें बाहर की तरफ रख दी हैं धूप में एक घंटा इन सबको रखूंगी और ये फटाफट से सूख जाएंगी और मुझे लगी थी यहाँ पर भूख क्योंकि भाई भूख का टाइम भी है शाम के चार बजे सब चाय वगैरह लेते हैं तो मैं यहाँ चाय नहीं लेती हूँ तो मैंने यहाँ पर अपनी निकाली है मूसली ये अच्छी चीज़ होती है अब मैंने आपको बताया भी है कि रोटी सब्जी ही सब कुछ नहीं होती है हमें एनर्जी के लिए भी कुछ ना कुछ लेना होता है तो ये मूसली है तो मैंने इसको कटोरी में निकाल लिया है इसे दूध में मिक्स करके हम मैं लूँगी और मीठे की जगह मैं इसके अंदर डालूंगी शहद तो ये काफ़ी अच्छा होता है आप इसकी पूरी डिटेल्स जाकर देख सकते हैं और मैंने इसमें एक चम्मच शहद मिलाया है आपकी इच्छा है आप चीनी भी डाल सकते हैं लेकिन मैं चीनी नहीं डालती हूँ तो मैंने इसमें शहद ही मिलाया है और शहद मिलाकर हम इसको एंजॉय करेंगे और मेरी जो छोटी सी भूख है वो भी शांत हो जाएगी और यहाँ पर मेरे याद आया कि भाई कल सुबह हमें कहीं जाना है तो मुझे सर धोना पड़ेगा सुबह मुझे फटा जल्दी से निकलना है यानी कि साढ़े छः बजे तक तो निकलना ही है तो सर नहीं सूख पाता है इतनी जल्दी तो मैंने सोचा चलो अभी धो देते हैं रात को ही तो उससे पहले मुझे ऑयल करना था अपने सर में तो मैंने ऑयल तैयार कर लिया है इसके अंदर मैंने तीन से चार चीज़ें मिलाई हैं जो मैं आपको भी बताऊंगी और एक घंटा मैं इसकी मसाज करके रखूंगी उसके बाद मैं अपना वॉश कर लूँगी अपने सर को तो मैंने क्या क्या मिलाया है इसमें मैंने लिया है नारियल का तेल आप कोई सा भी नारियल का तेल ले सकते हैं तो मैंने अपने सर के अकॉर्डिंग ले लिया है और इसमें डाला है मैंने विटामिन ई का एक कैप्सूल विटामिन ई का कैप्सूल काफ़ी अच्छा होता है हमारे हेयर के लिए और मैंने इसमें डाला है एलोवेरा जेल एलोवेरा जेल आप कोई सा भी ले सकते हैं जो भी आपके पास हो तो मैंने इसमें एलोवेरा जेल मिला ले इसको अच्छी तरह से मिक्स करके हमें अपने सर पे लगाना है और यहाँ पर मैंने एक घंटा इसे सर में रखा था और इसके बाद मैंने अपने सर को वॉश कर लिया है जब तक ये सूखेगा तब तक मैं अपनी दालें के ले आई थी और मेरी सारी दालें सूख गई हैं इसके बाद मैं डब्बों में उन दालों को लगा दूँगी शाम के खाने की कर रही हूँ मैं तैयारी तो मैंने यहाँ पर हरहर हर की दाल बनाई है दाल में किस तरह से बनाती हूँ अच्छी तरह से मैंने दाल को धो लिया है और मैंने इसको पानी के साथ चढ़ा दिया है इसके अंदर मैंने प्याज और टमाटर साथ ही डाल दिए हैं और हल्दी और नमक डालूंगी थोड़ा सा हींग डालूंगी और इसको एक सीटी लगाने के लिए गैस पर मैं रख दूंगी इसी तरह से मैं अपनी दाल बनाती हूँ और जब ये बॉयल हो जाएगी उसके बाद मैं अपनी और अपने हस्बैंड की दाल साइड में निकाल दूंगी क्योंकि हम बॉयल की हुई दाल ही खाते हैं और बच्चों के लिए मैं छोंक दूंगी और छोंकने में कड़ी पत्ता वगैरह सब यूज करने वाली हूँ और हरी मिर्च इसी तरह से मैं अपनी दाल बनाती हूँ और काफी टेस्टी लगती है दाल तो यहाँ पर मेरी दाल भी बनके तैयार हो जाएगी और मैंने आटा भी लगा दिया है अपना और यहाँ पे बनाती हूँ मैं अब खाना सुबह के बजे हैं साढ़े छ मैं और मेरे हस्बैंड निकल पड़े हैं राष्ट्रपति भवन में देखने के लिए चेंज ऑफ गार्ड सेरेमनी और इसे गार्ड बदली सामारो भी बोलते हैं ये इसकी जो परंपरा है वो प्राचीन काल से चली आ रही है जो सेना दल राष्ट्रपति भवन में सुरक्षा में तैनात रहते हैं वो अपना कार्यभार दूसरी टुकड़ी को सौंपते हैं यह परंपरा निर्धारित समय पर होती है पब्लिक के लिए सैटरडे को ही ऑर्गेनाइज की जाती है वैसे तो ये हर रोज ही चेंज होती है और ये सेरेमनी हर रोज़ ही मनाई जाती है लेकिन पब्लिक के लिए ये सिर्फ सैटरडे को ही ऑर्गेनाइज़ की जाती है और हम हमने इसके टिकट ऑनलाइन कराए थे और हम अपनी मंजिल पे पहुंचने वाले हैं सिर्फ थोड़ा सा ही वक्त लगने वाला है सिर्फ दो से तीन मिनट और हम पहुंच गए हैं चलिए दिखाती हूँ आपको यहाँ पर सेरेमनी कार्ड बदली समारोह हमारा हो गया था और मैं आपको दिखाती हूँ वो गेट जो 26 जनवरी को यहाँ से ओपन होता है और इसके बिल्कुल सामने है राजपथ जहाँ से हमारी 26 जनवरी पे परेड निकल कर जाती है और सामने ही राष्ट्रपति भवन है वहीं से हमारे राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी हो निकल कर जाते हैं इसी गेट से वो राजपथ से होते हुए इंडिया गेट तक पहुँचते हैं और मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये साढ़े बजे तक ख़त्म हो जाएगा मैं सोची थी काफ़ी टाइम लगने वाला है तो हमने प्रोग्राम बनाया कि काफ़ी अच्छी जगह है और मन भी लग रहा था काफ़ी तो चलो थोड़ा घूम लेते हैं हमारे पास पूरा दिन था तो हम वहाँ से पहुँच गए थे राष्ट्रपति भवन संग्रहालय और वहाँ पर हमने सारी चीज़ें देखी जो भी राष्ट्रपति से रिलेटेड होती हैं उनको देश विदेश से जो गिफ्टेड हुई चीज़ें होती हैं वो वहाँ पर लगी होती हैं तो वो चीज़ें हम सब देखने के बाद वहाँ से निकल गए थे और घर आके मैंने कपड़े कर लिए हैं चेंज और थोड़ी सी मुझे वीकनेस ही महसूस हो रही थी मतलब थकावट हो गई थी थोड़ा सा तो मैंने सोचा इस थकावट को उतारने का हमारे पास एक इलाज होता है वो तो आप सबको पता ही है क्या इलाज होता है वो होती है हमारी फेवरेट चाय तो मैंने सोचा चलो सबके लिए चाय बना देती हूँ और चाय के बाद ही हमारी थकान उतरेगी मेरी पूरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं अच्छी से अच्छी टिप्स आप सबके सब लिए लेके आऊँ और अच्छी अच्छी जानकारी आपके लिए लेके आऊँ तो आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके आप जरूर बताना मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और अच्छे अच्छे से प्यारे प्यारे से कमेंट जरूर करें तो इसी के साथ राधे राधे बाय